नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस वजह से दुनिया भर के देशों में गेहूं, मक्का समेत कई खाद्यान्न की कमी हुई है। इस बीच भारतीय गेहूं और मक्के की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। इसका फायदा बिहार के किसानों को मिल रहा है। बिहार में पिछले साल मक्के की बंपर खेती हुई थी, तो वही इस बार भी बिहार उत्पादन में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसी के साथ ही बिहार सरकार मक्के को बिहार का मुकद्दर बदलने की रूपरेखा बुनने लगी है। वहीं जिसकी जानकारी बिहार के कृषि व किसान कल्याण मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की द्वारा आयोजित 8वां भारतीय मक्का सम्मेलन के वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दी है। वहीं बिहार के कृषि व किसान कल्याण मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फिक्की सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मक्के की खेती किसान की आमदनी बढ़ाने का एक नया जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर मक्के की सबसे बेहतर नस्ल मानी जाने वाली सक्कर नस्ल बिहार में पैदा हो रही है, जो दुनिया भर में बेहद पसंद की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिहार में मक्के का उत्पादन 52 से 59 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 में मोटा अनाज यानी कि मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एव उत्पादकता के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि क्रमण पुरस्कार से राज्य को सम्मानित किया गया है। मक्का उत्पादन में बिहार देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 9% है। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में रबी सीजन में मक्के में लगभग 100% संकर बीज का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अहम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।